नमस्कार दोस्तों, यदि आप अपने गार्डन में ग्रीनरी ऐड करना चाहते हैं तो इस प्लांट को लगा लें। इसका नाम है डेविल्स बैकबोन, जिसको हम पेडिलंथस के नाम से भी जानते हैं। इस प्लांट की कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। किसी भी सीजन में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और बिना किसी रूटिंग हार्मोन के ही इसकी कटिंग लग जाती है। इसकी छोटे से छोटे साइज़ की कटिंग भी यदि आप लगाना चाहो तो वो भी लग जाएगी। इतना इजी ग्रोविंग प्लांट है कि हमें इस प्लांट को नर्सरी से खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहीं भी आपको ये प्लांट मिल जाता है तो इसकी एक सेमी हार्डवुड कटिंग ले लें और उस कटिंग को लगा लें। जब हम इसकी कटिंग को तोड़ते हैं तो इसमें से वाइट सैप निकलता है। इसको एक दो दिन के लिए सुखाने के लिए रख दें, उसके बाद आप इस कटिंग को लगाइए। इसके एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट अपने आप ही बनते रहते हैं। इसकी मेन ब्रांच के साइड से नए नए प्लांट्स निकलते रहते हैं। आप चाहो तो इनको डिवाइड करके अलग अलग गमले में भी लगा सकते हैं। गर्मी के सीजन में हमारे गार्डन में ग्रीनरी की कमी हो जाती है। ये ऐसा प्लांट है जो गर्मी के सीजन में ही अच्छी ग्रोथ करता है। जितनी अधिक गर्मी पड़ती है उतनी ही इसमें ग्रीनरी बढ़ती जाती है। ये एक परमानेंट प्लांट है। सर्दी के सीजन में इसके पत्ते झड़ जाते हैं और ये पौधा सूखने लगता है, और जैसे ही मार्च अप्रैल का महीना स्टार्ट होता है इसमें से नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। अब इस प्लांट को लगाने का बेस्ट टाइम है। आपको ये प्लांट कहीं से मिल जाए तो आप इसकी छोटी सी कटिंग भी ले आओगे तो वो कटिंग भी ग्रो हो जाएगी, और एक ही कटिंग से आपके इसके बहुत सारे प्लांट्स बन जाएंगे। अब मैं आपको इस प्लांट की देखभाल के लिए कुछ ज़रूरी बातें बताता हूं। पहले मैं इसकी लोकेशन की बात करूंगा। इस प्लांट को आप ऐसी जगह लगाएं जहां अधिक से अधिक सनलाइट इसको मिल जाए। जितनी अधिक सनलाइट इसको मिलेगी उतनी ही इस प्लांट की ग्रीनरी बढ़ती जाएगी। छायादार लोकेशन में ये पौधा सूखेगा तो नहीं, मगर इसके पत्ते बिल्कुल छोटे साइज के हो जाएंगे और इनकी हेल्दी ब्रांचेज नहीं रहेंगी। अब इस प्लांट की वाटरिंग की बात करता हूँ। जब इसमें एक बार पानी डाल देते हो तो उसके बाद इसकी गमले की मिट्टी सूख जानी चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें पानी डालें। आप इस प्लांट में हर रोज़ पानी डाल सकते हैं और ये प्लांट कभी भी ओवर वाटरिंग से नहीं सूखेगा। इस प्लांट में कोई भी खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बार यदि आप इसका एक अच्छा पोटिंग सोयल तैयार कर लेते हैं तो बार बार इसमें कोई भी खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये एक फोलियज प्लांट है जिसमें रेड कलर के फूल भी लगते हैं, मगर इसके फूलों को कम और इसके पत्तों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये प्लांट हमारे गार्डन में ग्रीनरी ऐड करने के लिए लगाया जाता है। इस प्लांट के पत्तों की अच्छी ग्रोथ हो इसके लिए आप इस पौधे में नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी खाद जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है वो खाद पत्तों की अच्छी ग्रोथ के लिए सहायक होती है और पौधों में ग्रीनरी ऐड करती है। यदि आप इस पौधे में खाद नहीं भी डालोगे तो भी ये पौधा हमेशा हरा भरा रहता है। इस प्लांट को यदि आप गमले में लगाते हैं तो ये कभी भी रूट बाउंड नहीं होता है। कई सालों तक ये पौधा एक ही गमले में चल जाता है। इसकी बहुत सारी ब्रांचेज निकल आती हैं और ये पूरे गमले को भर लेती हैं। जब आपको लगे कि इनकी सभी ब्रांचेज से पूरा गमला भर गया है तो आप इनको डिवाइड करके अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। यदि आप इस प्लांट को रेतीली मिट्टी में लगाते हैं तो इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।